नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। एग्जिट पोल में बात करने वाले हैं वाल्मीकि नगर सीट की। वाल्मीकि नगर सीट से इस बार कौन जीतने वाला है चुनाव? छठे चरण के चुनाव यहां पर हुए थे। क्या यहां पर जेडीयू का कब्जा होगा या कांग्रेस के कैंडिडेट यहां से चुनाव जीत जाएंगे? यहां पर सीधी फाइट जेडीयू वर्सेस कांग्रेस की। जेडीयू की तरफ से बैद्यनाथ प्रसाद महतो यहां से कैंडिडेट बनाए गए और शाश्वत केदार कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार हैं। क्या यहां पर शाश्वत केदार चुनाव जीत जाएंगे या बैद्यनाथ प्रसाद महतो जेडीयू की तरफ से वो चुनाव जीतेंगे? इस बार इस सीट पर 63.80% की पोलिंग हुई है, जो कि 2014 के मुकाबले में 2% ज़्यादा है। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा था। सतीश चंद्र दुबे बीजेपी की तरफ से उन्हें 3,64,013 वोट मिले थे, जबकि पूर्णमासी राम कांग्रेस के बड़े नेता 2,46,218 वोट उन्हें मिले थे। बद्रीनाथ प्रसाद यहां पर जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार थे, जिन्हें 81,612 वोट मिले थे। इस सीट पर एक और नाम था, दिलीप वर्मा निर्दलीय कैंडिडेट थे, जिन्हें उस 2014 के चुनाव में 58,817 वोट मिले थे। इस बार जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं महागठबंधन में भी कई घटक दल हैं। क्या यहां से शाश्वत केदार का सपना साकार होगा या बैद्यनाथ प्रसाद महतो जेडीयू की तरफ से चुनाव जीतेंगे? लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में जो हमने सैंपल साइज कलेक्ट किया है, उसके अनुसार वाल्मीकि नगर लोकसभा की सीट इस बार जेडीयू के खाते में जाती दिख रही है। यहां से बैद्यनाथ प्रसाद महतो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खाते में यह सीट 2014 में थी और फिर से एक बार एनडीए के ही खाते में यह सीट जाती दिख रही है। जेडीयू यहां से चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट शाश्वत केदार यहां पर चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। यहां पर ओबीसी वोटर इंटैक्ट है एनडीए के साथ। नीतीश कुमार का एनडीए में होना काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। वाल्मीकि नगर लोकसभा की सीट से जेडीयू चुनाव जीतती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस इस सीट को लूज कर सकती है। कांग्रेस के कैंडिडेट शाश्वत केदार इस सीट से चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी अपने सीट के एग्जिट पोल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।